शिव समार है मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 15 जनवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 15 जनवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 14 जनवरी को सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस के रूप में मनाया गया। तो दोस्तों 2017 से इस दिवस को मनाया जा रहा है। तो दोस्तों राष्ट्रीय सेवा में हमारे दिग्गजों की निस्वार्थ भक्ति और बलिदान को स्वीकार करने के लिए और उनको सम्मान देने के लिए हर साल 14 जनवरी को सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में 14 जनवरी को ही पोंगल त्यौहार भी मनाया गया, 14 जनवरी को ही मकर संक्रांत भी मनाया गया, और दोस्तों 14 जनवरी को ही असम का बिहू त्यौहार भी मनाया गया दोस्तों। तो दोस्तों 14 जनवरी को अपन ने 4 दिवस मनाए। 14 जनवरी को अपन ने सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस, पोंगल त्यौहार, मकर संक्रांति और असम का बिहू त्यौहार भी 14 जनवरी को ही मनाया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 16वीं क्वीन बैटल रिले के लिए विनिशा उमाशंकर जी का चयन हुआ है। तो दोस्तों 12 जनवरी से 15 जनवरी तक यह 16वीं क्वींस बैटल रिले का आयोजन किया गया। और दोस्तों लंदन के बकिंगम पैलेस में 16वीं क्वींस बैटल रिले का आयोजन किया गया दोस्तों 12 जनवरी से 15 जनवरी। और दोस्तों इस 16वें क्वीन बैटल रिले के लिए विनिशा उमाशंकर जी का चयन हुआ है। और दोस्तों विनिशा उमाशंकर जी को APJ अब्दुल कलाम इग्नाइट अवार्ड भी मिल चुका है। तो दोस्तों हाल ही में 16वीं क्वीन बैटल रिले के लिए विनिशा उमाशंकर जी का चयन हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट पहलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारत और जापान देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू किया गया। तो दोस्तों भारत की ओर से INS कड़मत और शिवालिक और इस नौसेना जहाज ने इस समुद्री साझेदारी अभ्यास में पार्टिसिपेट किया। और दोस्तों जापान नौसेना के जहाज उरंगा और हिराडो नौसेना जहाजों ने इस अभ्यास में पार्टिसिपेट लिया दोस्तों। और दोस्तों इस समुद्री साझेदारी अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना था। और दोस्तों दूसरी तरफ रूसी नौसेना के जहाज़ों ने कोच्चि का दौरा किया। और दोस्तों रूसी नौसेना अधिकारियों ने भारतीय नौसेना के साथ विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किए दोस्तों, बातचीत किया। तो दोस्तों हाल ही में भारत और जापान देश के बीच में समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू किया गया दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में बायोमेट्रिक आधारित बैंकिंग पेमेंट बैंकिंग भुगतान के लिए एक्सिस बैंक ने मिंकासू पे के साथ साझेदारी की। तो दोस्तों कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी मिंकासू पे के साथ एक्सिस बैंक ने बायोमेट्रिक आधारित बैंकिंग भुगतान के लिए समझौता किया है दोस्तों। और दोस्तों इस बायोमेट्रिक पेमेंट में व्यक्ति के नाम की भी ज़रूरत नहीं होगी, मोबाइल नंबर की भी ज़रूरत नहीं होगी, इवन OTP की भी ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ बायोमेट्रिक से ही पेमेंट हो जाएगा, पेमेंट का भुगतान हो जाएगा। और दोस्तों जो कि नॉर्मल ट्रांजैक्शन होता है उससे भी आधा समय लगेगा दोस्तों। इस ट्रांजैक्शन में बायोमेट्रिक आधारित बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए सिर्फ 2 या 3 सेकंड का वक्त लगेगा दोस्तों। यह पेमेंट सिर्फ 2 या 3 सेकंड में ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों ना ही मोबाइल नंबर की ज़रूरत, व्यक्ति का नाम या ना ही OTP की भी ज़रूरत, सिर्फ फेस ID और फिंगरप्रिंट की मदद से भुगतान होगा कंप्लीट। तो दोस्तों साइबर धोखाधड़ी को कम करने के लिए एक्सिस बैंक ने मिंकासू पे के साथ समझौता किया दोस्तों बायोमेट्रिक आधारित बैंकिंग पेमेंट्स के लिए। तो दोस्तों बात अभी एक्सिस बैंक की है जिसकी स्थापना 1993 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, जिसके MD CEO है करंटली अमिताभ चौधरी। तो दोस्तों हाल ही में बायोमेट्रिक आधारित बैंकिंग भुगतान के लिए एक्सिस बैंक ने कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी मिंकासू पे के साथ समझौता किया है दोस्तों। नेक्स्ट पहलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारत और ब्रिटेन देश के बीच में दिल्ली में मुक्त व्यापार वार्ता शुरू की गई। तो दोस्तों भारत के व्यापार मंत्री, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और ब्रिटेन के इंटरनेशनल व्यापार मंत्री एनी मेरी ट्रेवेलियन जी के बीच भारत और ब्रिटेन देश के बीच में दिल्ली में मुक्त व्यापार वार्ता शुरू की गई। और दोस्तों दोनों देशों के बीच लोगों और वस्तुओं की मुफ्त आवाजाही का रास्ता साफ होगा इस बैठक से, इस वार्ता से। और दोस्तों अरबों पाउंड का व्यापार होगा इससे। तो दोस्तों हाल ही में भारत और ब्रिटेन देश के बीच में दिल्ली में मुक्त व्यापार वार्ता शुरू की गई दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में डियोन लैंडोर जी का निधन हुआ। तो दोस्तों यह एथलीट थे दोस्तों डियोन लैंडोर जी, इनका हाल ही में निधन हुआ। तो दोस्तों अमेरिका के टेक्सास में एथलीट डियोन लैंडोर जी का निधन हुआ। तो दोस्तों अमेरिका के टेक्सास में एक कार एक्सीडेंट में इनकी मृत्यु हो गई दोस्तों। और दोस्तों 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में 400 मीटर रेस में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो दोस्तों त्रिनिदाद एंड टोबैगो के एथलीट डियोन लैंडोर जी का हाल ही में निधन हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में पाकिस्तान देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को शुरू किया। तो दोस्तों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जी ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को शुरू किया। तो दोस्तों हाल ही में पाकिस्तान देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को शुरू किया है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में केरल राज्य का कुंबलांगी गाँव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गाँव बना है। तो दोस्तों इस केरल के कुंबलांगी गाँव में सैनिटरी नैपकिन के जगह अब 18 साल से ज़्यादा उम्र वाली महिलाओं को मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए 5000 विशेष मेंस्ट्रुअल कप बांटे गए दोस्तों। तो दोस्तों ड्यूरिंग पीरियड्स इस मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल
18 साल से ज़्यादा उम्र वाली महिलाएं मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। और दोस्तों केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान जी ने इस अभियान का शुभारंभ किया और उन्होंने केरल के कुम्बलांगी गांव को आदर्श गांव भी घोषित किया। तो दोस्तों हाल ही में केरल राज्य का कुम्बलांगी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव बना है दोस्तों। नेक्स्ट पेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने नई नर्सिंग नीति को मंजूरी दे दी। तो दोस्तों यह नई नर्सिंग नीति क्या है? तो दोस्तों जितने भी नर्सिंग कॉलेज है दोस्तों हरियाणा राज्य में, इन कॉलेज को 100 बेड का खुद का हॉस्पिटल डेवलप करना इस नीति में शामिल होगा दोस्तों। तो दोस्तों अभी हरियाणा राज्य के हर नर्सिंग कॉलेज के पास अपना खुद का 100 बेड का हॉस्पिटल होगा दोस्तों। तो दोस्तों और नर्सिंग कॉलेजेस में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का बायोमेट्रिक अटेंडेंस होना चाहिए, यह सब इस नीति में शामिल है। तो दोस्तों हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने नर्सिंग नीति को मंजूरी दे दी गई है दोस्तों। नेक्स्ट वेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में ICHR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के अध्यक्ष के रूप में रघुवेंद्र तनवर जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों कुरुक्षेत्र विद्यालय के प्रोफेसर रघुवेंद्र तनवर जी को ICHR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में ICHR इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के अध्यक्ष के रूप में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रघुवेंद्र तनवर जी को नियुक्त किया गया दोस्तों। नेक्स्ट पेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल मणिपुर राज्य में शुरू किया गया। तो दोस्तों कचाई लेमन फेस्टिवल क्यों दोस्तों मनाया जाता है? तो दोस्तों लिंबू यानी कि लेमन किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए मणिपुर के उखरूर जिले में कचाई लेमन फेस्टिवल मनाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल मणिपुर राज्य में शुरू हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना को लॉन्च किया। तो दोस्तों जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना क्या है? तो दोस्तों इस योजना में एक वेबसाइट होगी, उस पर जमीन का सारा रिकॉर्ड अवेलेबल होगा और दोस्तों जिससे जमीन का एक्चुअल रेट मिलेगा और ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शकता बनी रहेगी दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना को लॉन्च किया है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारत में HDFC बैंक को सर्वोत्कृष्ट यानी कि बेस्ट प्राइवेट बैंक के रूप में नामित किया गया। तो दोस्तों जितने भी अपने इंडिया में प्राइवेट बैंक है उनमें से HDFC बैंक को सर्वोत्कृष्ट प्राइवेट बैंक के रूप में नामित किया गया। तो दोस्तों बात अभी HDFC बैंक की है जिसकी स्थापना 1994 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, जिसके करंटली CEO कौन है? शशिधर जगदीशन दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में भारत में HDFC बैंक को सर्वोत्कृष्ट प्राइवेट बैंक के रूप में नामित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पहलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में विदेशी मुद्रा संकट से निपटने के लिए भारत ने श्रीलंका देश को $900 मिलियन का ऋण दिया है। तो दोस्तों श्रीलंका देश अभी काफ़ी संकट में है दोस्तों, इसीलिए श्रीलंका को भारत ने विदेशी मुद्रा संकट से निपटने के लिए $900 मिलियन का ऋण दिया है दोस्तों। नेक्स्ट पहलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों पर प्रदर्शनी का उद्घाटन भोपाल में हुआ। तो दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य का भोपाल शहर में स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। तो दोस्तों स्वतंत्रता की दौड़ में जो वेल नोन व्यक्ति है उनको तो हम सब लोग जानते हैं, पर स्वतंत्रता संग्राम के अनसंग हीरो यानी कि गुमनाम नायकों पर को भी जानने के लिए स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों पर प्रदर्शनी का उद्घाटन मध्य प्रदेश भोपाल में किया गया। तो दोस्तों हाल ही में स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों पर प्रदर्शनी का उद्घाटन मध्य प्रदेश के शहर भोपाल में शुरू किया गया दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 15 जनवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। आज अपन क्या क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 14 जनवरी को सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस के रूप में मनाया गया और दोस्तों 14 जनवरी को ही पोंगल त्यौहार, मकर संक्रांत और असम का बिहू त्यौहार भी मनाया गया दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में सोलवी क्वीन बैटल रिले के लिए विनिशा उमाशंकर जी का चयन हुआ। और दोस्तों हाल ही में भारत और जापान देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू किया गया। और दोस्तों हाल ही में बायोमेट्रिक आधारित बैंकिंग पेमेंट के लिए एक्सिस बैंक ने मिंकासू पे के साथ समझौता किया। और दोस्तों हाल ही में भारत और ब्रिटेन देश के बीच में दिल्ली में मुक्त व्यापार वार्ता को शुरू किया गया। हाल ही में एथलीट डियोन लेंडोरजी का निधन हुआ। हाल ही में पाकिस्तान देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को शुरू किया। हाल ही में केरल राज्य का कुम्बलांगी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त फ्री गांव बना है। और दोस्तों हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने नई नर्सिंग नीति को मंजूरी दे दी। और दोस्तों हाल ही में ICHR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के अध्यक्ष के रूप में रघुवेंद्र तनवर जी को नियुक्त किया गया। और हाल ही में 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल मणिपुर में शुरू किया गया। हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना को लॉन्च किया। हाल ही में भारत में HDFC बैंक को सर्वोत्कृष्ट प्राइवेट बैंक के रूप में नामित किया गया। हाल ही में विदेशी मुद्रा संकट से निपटने के लिए भारत ने श्रीलंका देश को $900 मिलियन का ऋण दिया। हाल ही में स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों पर प्रदर्शनी का उद्घाटन मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में शुरू किया गया। तो दोस्तों यह थे 15 जनवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर, उनकी रिविजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए दोस्तों, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जयशंकर महाराज दोस्तों, जय भोले।